हार्डली 5 दिन के, 5 ही हो सूरज पे मंगलवार इससे अच्छा था। कैसी लगी सर आपको ये हिंदू की जवानी, पहले तो ये जानना। कुछ नहीं ऐसे ही बनाया है, इसको कुछ अर्थ नहीं है, कोई मूवी में कोई दम नहीं है, बिना मतलब का सब मुद्दा खड़ा किया है और ये है, कुछ है नहीं। कियारा आडवाणी की एक्टिंग अच्छी है, कियारा आडवाणी की अच्छी एक्टिंग है, उसने रोल भी जो किया है अच्छा किया, बाकी स्टोरी में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आदित्य सिंह है उनके अपोजिट में, कुछ नहीं, सब नॉर्मल आदमी भी, नॉर्मल आदमी जैसा ही है सब, कुछ भी नहीं है, स्टोरी में कोई दम नहीं है। ज़बरदस्ती इंडिया पाकिस्तान करके आपस में लड़ते हैं और कोई दम नहीं है। नहीं, पैसा वसूल वाला इसमें कोई बात ही नहीं है, क्या आजकल 100-200 का कोई वैल्यू है नहीं, इसमें क्या वसूल हो जाएगा और क्या डबल मिल जाएगा अगर अच्छा भी लगा तो, इंटरटेनमेंट बोल के है और कुछ है, कोई दम नहीं है पिक्चर में। तो, कोई गाना पसंद आया? नहीं कोई गाना, फिल्म आपको कितना बांध के रखती है? जरा भी नहीं बांध के कुछ पिक्चर नहीं रखती है, लॉकडाउन है, काम कुछ नहीं है, उस हिसाब से 2-5-10 आदमी आए तो आए, बाकी पिक्चर में कोई दम नहीं है, कोई देखने लायक कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ से कितने स्टार देंगे? कुछ नहीं, इसमें स्टार 1 स्टार तो बहुत हो गया। मौका मिला तो दोबारा आएंगे? नहीं, कभी नहीं। ओके, कैसी लगी सर आपको हिंदू की जवानी? मुझे अच्छी लगी, एंटरटेनिंग मूवी है, बांध के रखती है, और बेस्ट पार्ट इज़ अजय शर्मा जो उसके एडिटर हैं, उन्होंने मूवी को ड्रैग नहीं किया, बहुत ही क्रिस्प है, 2 घंटे की आसपास की मूवी है, कब शुरू होती है कब ख़त्म होती है हंसते खेलते पता नहीं चलता, सो उस तरह से मुझे अच्छी लगी। और काफ़ी टाइम के बाद सूरज पे मंगलवार इससे पहले देखी थी, वो भी बहुत एंटरटेनिंग थी, और ये मूवी भी बांध के रखती है, और लास्ट का जो क्लाइमैक्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कियारा आडवाणी शी इज़ ऑलवेज स्टनिंग, इससे पहले कबीर सिंह में आई थी और गुड न्यूज़ में, दोनों ही मूवीज़ में बहुत अच्छा रोल था, और कबीर सिंह में तो देखा ही था उनका कितना संजीदा रोल था, और गुड न्यूज़ में कॉमेडी रोल था। या शी इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट, तो उन्होंने काफ़ी एंटरटेनिंग लिखा और स्टोरी भी अच्छी है, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, वसंत की डायरेक्शन भी अच्छा है अबीर सेन गुप्ता का, और बाकी दो ही एक्टर हैं आदित्य सील और ये कायरा आडवाणी, तो आदित्य सील का भी अच्छा रोल है, और लास्ट में थोड़ा सस्पेंस है तो देख के मज़ा आएगा। अबीर जो डायरेक्टर हैं जी, कितना डायरेक्शन आपको बांध के रखता है कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है, फन होगा, आपने कितना एंजॉय किया डायरेक्शन? मुझे अच्छी लगी मूवी, मतलब एक बार देखी जा सकती है, मुझे ऐसे नहीं लगा कि यू नो बीच में कोई ऐसे रफ पैचेस हैं, आई थिंक म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था क्योंकि मीका सिंह बादशाह और रोचक कोहली ने डायरेक्ट किया है, कंपोज किया है, एक लास्ट में गाना हीले टूट गए वो गाने को टाइटल्स के टाइम में डाला, वो अगर बीच में डालते बहुत ही स्टनिंग सॉन्ग था, वो बादशाह का कंपोज किया हुआ, और उसके अलावा एक दिल तेरा सॉन्ग है वो भी अच्छे से शूट किया गया है, बट म्यूज़िक और अच्छा होता, स्टोरी थोड़ी ग्रिपिंग थी, थोड़ा लास्ट में सस्पेंस था, तो वो देख के मज़ा आया। हाँ म्यूज़िक मुझे ठीक लगा, और अच्छा हो सकता था ये फील। सिनेमा हॉल का एक अलग ही यू नो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस विच कैन नॉट बी यू नो एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आप नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम उस पर जितनी भी मूवीज देखें ओवर द टॉप मीडिया पे यू नो यू दोस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म से एक हद तक ही आपको ये कर सकते हैं, यू विल फील यू आर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, पर मूवीज़ देखने का असली मजा है वो बिग स्क्रीन पे ही है, और अभी यूके में वैक्सीन आ गई है तो इंडिया में वैक्सीन आने के बाद होपफुली लोग और आएंगे, क्योंकि बहुत कम ऑडियंस आ रही है आजकल, सूरज पे मंगल भारी में इससे ज़्यादा ऑडियंस थी लेकिन आज वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप। आई विल स्टिल गिव 3 स्टार्स क्योंकि लास्ट में जो सस्पेंस था वो देख के मज़ा आया। थैंक यू सो मच।